ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बता रही हूँ श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी कब है, 18 अगस्त के या 19 अगस्त की, और साथ ही पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत का पारण समय क्या है और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अगस्त में एकादशी कब है, आइए जानते हैं। बंधुओं, 18 अगस्त बुधवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वर्तमान समय में चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में शयन करते हैं, यानी चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। चतुर्मास में पड़ने वाली एकादशी को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। बंधुओं, पंचांग के अनुसार आने वाली 18 अगस्त 2021 बुधवार को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान संबंधी सभी परेशानियों को दूर करता है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है और जिन बंधुओं के पहले संतान है उनकी संतान की किस्मत चमकने लगती है, उनका भाग्य उदय हो जाता है यदि मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि क्या है? एकादशी की तिथि के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करें। इस दिन घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करें और भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं। इस दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन ना करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? 18 अगस्त 2021 को सुबह 3:20 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त 2021 को 1:05 पर सुबह होगी। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 19 अगस्त 2021 को सुबह 6:32 से 8:29 तक सुबह का ही रहेगा। बंधुओं, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पांडव पुत्र युधिष्ठर को बता रहे हैं कि सावन शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्पति नगरी में
महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र ना होने के कारण राजा महिजित को राज्य सुख नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सद्गृहस्थों तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली, ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ, ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त छात्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमश ऋषि की इतनी अधिक आयु थी। सब ने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बतलाइए, निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमेश ऋषि ने स्नेह आसक्ति वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह दो दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना। प्यासी गो को जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात
द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, अतः संतान के सुख की इच्छा चाहने वाले हर मनुष्य को इस व्रत को रखना चाहिए। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।